Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Friends, once again I am back with another lecture of forensic medicine and toxicology जो कि 20 marks में examination में बहुत frequently पूछा जाता है and that is drowning. ठीक है, drowning की सबसे पहले हम definition discuss करते हैं. So drowning एक process होता है of experiencing respiratory impairment from submersion या immersion. ठीक है, पूरी तरीके से पानी में डूब जाने की वजह से या फिर पार्शियल पानी में डूबने की वजह से अगर पर्सन को रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट हो रहा है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट इज नोन एज ड्राउनिंग. ठीक है, आगे क्या लिखा है, लिक्विड एयर इंटरफेरेंस इज प्रेजेंट एट द एंट्रेंस टू द विक्टिम्स एयरवे व्हिच प्रिवेंट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम ब्रीदिंग ऑक्सीजन. ठीक है, लिक्विड एयर जो है उसका इंटरफेस बन जाता है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन ब्रीद नहीं कर पाता. ठीक है, आउटकम इसका क्या क्या हो सकता है, कई बार डिलेड या फिर रैपिड डेथ हो सकती है इस चीज के बाद. ठीक है, या फिर कभी कभी डिलेड मॉर्बिडिटी, मतलब पर्सन की तबीयत खराब हो जाए सीवियरली और उसके बाद उसकी डेथ हो जाए. ठीक है, जो ड्राउनिंग है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे आपको आंसर डिस्क्राइब करना है उस फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो वी हैव सीन द डेफिनेशन, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउनिंग. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउनिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्या लिखा है, दैट ड्राउनिंग कैन बी डिवाइडेड बेसिकली इंटू टू टाइप्स. ठीक है, एक होता है टिपिकल ड्राउनिंग, दूसरी होती है एटिपिकल ड्राउनिंग. ठीक है, टिपिकल ड्राउनिंग को हम प्राइमरी ड्राउनिंग या फिर वेट ड्राउनिंग भी कहते हैं. ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स आप समझ सकते हो या फिर दो फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करती है, या तो पर्सन जो है वो फ्रेश वाटर में ड्राउन करेगा. ठीक है, मतलब जो रिवर वाटर होता है अगर उसमें कोई पर्सन डूब जा रहा है सो दैट इज फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, और अगर कोई सी वाटर या फिर सॉल्ट कंटेनिंग वाटर में डूब रहा है जिसकी अराउंड 3 to 4 के आसपास सैलिनिटी है तो हम उसे सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग कहते हैं. ठीक है, एटिपिकल ड्राउनिंग की अगर हम बात करें तो दीज आर द एग्जांपल्स वेयर एटिपिकल ड्राउनिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है, अब हम टिपिकल ड्राउनिंग की डेफिनेशन अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, दैट फ्रेश वाटर वाटर इज इनहेल्ड इनटू लंग्स एंड द विक्टिम हैज सीवियर चेस्ट पेन. इसमें वाटर चेस्ट में चला जाता है और पर्सन को चेस्ट पेन होता है. फ्रेश वाटर ड्राउनिंग को हम ब्रैकिश वाटर ड्राउनिंग भी कहते हैं. ठीक है, इस वाटर में सॉल्ट का बहुत कम कंटेंट होता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, वाटर जो है वो सर्कुलेशन में चला जाता है जिसकी वजह से ब्लड का हीमोडाइल्यूशन या फिर हीमोलिसिस होने लगती है. ठीक है, वाटर जो एस्पिरेट करता है पर्सन वो चला जाता है हीमोडाइल्यूशन या फिर हीमोलिसिस करने के लिए. ठीक है, वहीं पर अगर हम सी वाटर ड्राउनिंग की बात करें जिसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो 3 to 4% है, तो इसमें क्या होता है, एस्पिरेशन द एस्पिरेशन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन विथड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन इनटू एल्वियोलर स्पेसेस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक डिफरेंशियल. ठीक है, व्हाइल एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोलाइट्स. तो क्या है, यहाँ पर जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्ट में, तो उसकी वजह से वो पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर एल्वियोलर स्पेस में वाटर को इकट्ठा करा देगा जिसकी वजह से पर्सन को आगे के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ब्लड का कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा अगर ऑब्वियसली उसमें से वाटर बाहर आ जा रहा है तो. ठीक है, और कई बार सोडियम पोटेशियम के लेवल में भी लिटिल चेंज ऑब्जर्व हो जाता है. ठीक है, सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ ड्राउनिंग. यहाँ पे देखिए उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया गया है. ठीक है, कि फ्रेश वाटर ड्राउनिंग क्या होती है और सी वाटर ड्राउनिंग में क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, दीज आर द फ्लो चार्ट्स, इसकी हेल्प से आप याद करोगे तो आपको समझ में इजिली आ जाएगा कि किस तरीके से ड्राउनिंग टेक प्लेस होती है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द एटिपिकल ड्राउनिंग. एटिपिकल ड्राउनिंग में एक होता है ड्राई ड्राउनिंग.
ठीक है, ड्राई ड्राउनिंग क्या होती है? इन ड्राई ड्राउनिंग वाटर डज नॉट एंटर द लंग्स ड्यू टू लैरिंजियल स्पैज्म इंड्यूस्ड बाय स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर एंटरिंग द लैरिंग्स। ठीक है, कई बार थोड़ा बहुत पानी जो है वो अगर लैरिंग्स में चला जाता है तो उस वजह से ड्राई ड्राउनिंग होती है। ठीक है, इसमें डेथ जो है वो बहुत ज्यादा रैपिड होती है। ठीक है, इसमें दो रिफ्लेक्सेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, एक कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू वेसोवैगल स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है, और या फिर लैरिंजियल स्पैज्म होने की वजह से जो एयर वेज होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे और उसकी वजह से ये चीज ऑब्जर्व हो जाती है। ठीक है, एयर वे क्लोजर की वजह से। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एटिपिकल ड्राउनिंग इज इमोशन सिंड्रोम, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको हम कोल्ड वाटर ड्राउनिंग भी कहते हैं। ठीक है, कई बार इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है कि इमोशन सिंड्रोम क्या होता है। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, दैट अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और कार्डियक डिसरिदमिया की उसमें प्रॉब्लम है, वो क्या हो जा रहा है, अचानक से अगर वाटर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम है और वो उसके कांटेक्ट में आया, तो उसको सबमर्शन या फिर इमर्शन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसको हम सबमर्शन इनहिबिशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे क्या मेंशन किया हुआ है, नेक्स्ट इज नियर ड्राउनिंग। नियर ड्राउनिंग को हम पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम कहते हैं। नियर ड्राउनिंग रिफर्स टू सर्वाइवल बियॉन्ड 24 आवर्स आफ्टर सबमर्शन एपिसोड। अगर कोई पर्सन है वो आफ्टर ड्राउनिंग, ठीक है, 24 आवर तक सरवाइव कर रहा है, सो दैट कंडीशन इज कंसिडर्ड एज नियर ड्राउनिंग। ठीक है, उसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू दीज रीजंस। वो रीजंस क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, कोई पर्सन है उसको निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन कैन ऑल्सो बी अ रीजन। ठीक है, ड्राउनिंग ज्यादातर इसके जो विक्टिम्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली मेल होते हैं। ठीक है, और एफेक्टेड में ज्यादातर जो एज होती है या तो छोटे बच्चे होते हैं 4 इयर्स से कम, या फिर यंग एडल्ट्स इसके अंडर आते हैं। नाउ ड्राउनिंग में डेथ किन किन कारणों से होती है, अगर हम देखें तो एस्फिक्सिया मतलब सांस प्रॉपरली ना आना सबसे इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ डेथ होता है। फ्रेश वाटर में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, कई बार वेगल इनहिबिशन, लैरिंजियल स्पैज्म और हेड इंजरी। ठीक है, अगर कोई डूब रहा है और उसको बेसमेंट पे जो भी रिवर है, सी है, वहां जाकर अगर आसपास के साइड वॉल से या कहीं से भी रॉक से उसका सर लड़ गया तो उसकी वजह से कंकशन, हेड इंजरी की वजह से भी डेथ हो सकती है। ठीक है, एपोप्लेक्टिक कॉजेज भी हो सकते हैं और कुछ सेकेंडरी कॉजेज जैसे एस्पिरेशन निमोनिया और एन्यूरिज्म भी हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पर्सन में कैसे सिम्टम्स आएंगे, मेंटल कंफ्यूजन जैसा सिम्टम आ सकता है, वर्टिगो हो सकता है, हैलुसिनेशन हो सकता है पर्सन को, और वेट ड्राउनिंग में वी हैव ऑलरेडी सीन दैट पर्सन चेस्ट पेन से सफर करता है। ठीक है, फेटल पीरियड की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में अगर 4 से 5 मिनट तक कोई पेशेंट या फिर कोई पर्सन है जो ड्राउन कर रहा है तो उसकी डेथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, और सी वाटर में दैट इज 8 to 12 मिनट्स। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं बिकॉज इससे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट द ड्राउनिंग। वी हैव डिस्कस्ड कि ड्राउनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। सेकेंड पार्ट में हम इसकी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे, तो अगर आप चाहते हो वो वीडियो मिस ना हो तो प्लीज 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 मेडिक्योर बॉडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू।